स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए, आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स बहुत ही करीब है, शायद एक दिन आपका एग्जाम के लिए बाकी है, संडे, क्योंकि मंडे से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। और ये एग्जाम्स एक चैलेंजिंग भी है आपके लिए और आपके लिए फ्यूचर भी है। और इस एग्जाम में किसी भी तरह आपको पास होना है, क्योंकि अगर नहीं पास हो रहे हैं तो एक साल और वेट करना पड़ेगा आपको एग्जाम्स के लिए। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम में किसी तरह आपको पास होना है। कैसे भी मार्क्स लाए, कुछ भी कीजिए, कैसे भी स्टडी कीजिए, आपको 28 मार्क्स एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आपको लाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके ये भी पूछ रहे हैं कि सर, क्या हमको इस बार भी 20 मार्क्स यानी 28 मार्क्स से पास है, 7 मार्क्स ऑलरेडी इंटरनल में ऐड करते हैं तो दोबारा ऐड होंगे? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी फ्रेश एग्जाम जब लिखते हैं आप, उसी एग्जाम में ऐड हो जाते हैं ये, अभी अलग से ऐड नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, उसी मार्क्स को ऐड करके ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो ऑलरेडी एडेड है वो मार्क्स, आपको अभी 28 मार्क्स लाना ही जरूरी है। चलिए, आप सभी एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी मार्च मई में एग्जाम लिख चुके हो, क्योंकि आप सभी एक बार एग्जाम लिख चुके हो, जिसकी वजह से आपको पेपर किस तरह रिप्रेजेंट करना है आइडिया होगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं बतला देता हूँ ताकि आप कहीं गलती ना करें, आसानी से अच्छे मार्क्स मिले और आसानी से आप पास हो सके। पेपर जैसे आपको पता ही है, पहले आपको एक 15 मिनट्स पहले बुलाया जाता है OMR शीट के लिए, लेकिन अभी आप इन टाइम भी अगर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको सभी एक्सपीरियंस है OMR शीट के बारे में। तो चलिए, अब सपोज आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आपके एग्जाम्स है 9:30 को जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को एक 15 से 30 मिनट्स क्वेश्चन पेपर पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि आपको फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, ये तीनों सेक्शंस होते हैं। पहले आप फर्स्ट सेक्शन की क्वेश्चंस आपको पढ़ना चाहिए, जितने क्वेश्चंस आते हैं उस पर आप टिक कर लेना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं, ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। उसके बाद सेकंड सेक्शन में जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप टिक कर लेना है, थर्ड सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपको ये काम करना है कि जो क्वेश्चन, जो सेक्शन का क्वेश्चन आपको परफेक्टली आता है वही स्टार्ट करना है। अब सपोज आपको एक एडिशनल दिया जाएगा जिसके अंदर से मार्जिन्स आपको इस तरह, मार्जिन्स आपको मानना है क्लियरली, मार्जिन्स। अब आपको थर्ड सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 17 डाल के आंसर यहां से स्टार्ट करना है। आंसर्स पूरी नीटली, आंसर्स इस तरह पूरा नीटली लिखिए, लिख लिए बाद एक बार यहां पर पेंसिल से मार्जिन डालना है। आपको आ रहा है फर्स्ट सेक्शन का आंसर, सेकंड आंसर यहां पर आपको डालना है। उसी तरह आपको आ रहा है थर्ड सेक्शन का, फिर दोबारा से एक 18 वाला आंसर आपको करेक्ट आया है। तो इस तरह पेपर रिप्रेजेंट कीजिए, और जब आप लिखते हैं वर्ड्स, जब आप लिखते हैं तो वर्ड्स को खुला खुला लिखिए। ऐसा मत लिखिए कि चलिए मैं लिख रहा हूं, मेरा पेपर सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूं, दूसरे कोई भी नहीं पढ़ सकते। ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। पेपर नीट लिखना चाहिए, हैंड राइटिंग खुली खुली लिखना चाहिए, चाहे आप कर्सिव में लिखे या आप इंग्लिश, जनरली इंग्लिश राइटिंग लिखे, लेकिन खुली खुली होना चाहिए, ऐसी राइटिंग होना चाहिए कि पेपर पढ़ने वालों को ईजी लगे, और पेपर का जो लिखते हैं आप एकदम खूबसूरत लगना चाहिए पेपर। अरे ये पेपर हाँ अच्छा है, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है, इसको हम अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। देखने वाले एग्जाम को, एग्जामिनर जब भी आपका पेपर करेक्शन करने जाते हैं तो खुश होना चाहिए, उस तरह रिप्रेजेंट आपको करना चाहिए। थोड़े स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन लिख दिए, थर्ड क्वेश्चन लिख दिए, फोर्थ क्वेश्चन लिख दिए, मिला मिलाकर लिखते हैं, जिसका सेक्शन कोई भी, अब फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नहीं डालते। आपको
एक चीज ध्यान में रखना है, सेक्शन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर भी आपको डालना है। सेक्शन वन में 1 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं, ग्रुप ए, अभी तो ग्रुप ए ग्रुप बी दो आ रहा है, तो जो सेक्शन में जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही क्वेश्चन नंबर आप अगर डालेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अभी आप सपोज फिजिक्स या बायोलॉजी कोई भी लिखते हैं, मैथमेटिक्स लिखते हैं, तो क्या करना चाहिए, जो मेन फॉर्मूले होते हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए इस तरह पेंसिल से या ब्लैक पेन से। फिजिक्स जब लिखते हैं आप डिफरेंसेस, सबसे पहले डिफरेंसेस लिखते हैं, तो डिफरेंसेस का इस तरह बॉक्स बना के आपको लिखना चाहिए। फिगर डालते हैं, फिगर अगर आप उतारते हैं तो फिगर के जो पार्ट्स है वो क्लियरली लगना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं या डायग्राम ड्रॉ करते हैं, रहता है एक जगह, लिखते हैं नाम एक जगह, तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, आपके मार्क्स वहां पर कट हो जाते हैं। अब कल आप लिखने जाएंगे फर्स्ट उर्दू हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु। आपको पता है कि आसान है, बहुत ही आसान। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं, मुझको बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि अगर आप जनरली ग्रामर और पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो आपको पासिंग मार्क्स आसानी से मिलते हैं। आप जनरली पैराग्राफ अगर लिखेंगे तो 10 मार्क्स के तो आपको पैराग्राफ होते हैं, एक लेटर होता है 8 मार्क्स का, एक कंपोजिशन होता है 8 मार्क्स का, ग्रामर होता है 28 मार्क्स, ये 20 मार्क्स का, एक टोटल अगर मिलाएंगे तो नियरली 40 मार्क्स का तो आपको जनरल पेपर होगा, लेकिन फिर भी फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप राइटिंग तो सही नहीं लिखते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन सही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे गलतियां होते हैं। तो बेफिक्र रहिए, कल लास्ट मिनट आपको रिवीजन मिल जाएगा, आप जितना भी पढ़े हैं उसके अंदर से लास्ट मिनट आपको रिवीजन कल मिल जाएगा, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पेपर रिप्रेजेंटेशन आपका करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हमको क्या करना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, कहाँ से पढ़ूं मैं, किस मॉडल पे से पेपर से पढ़ूं, कहाँ से, कन्फ्यूजन रहता है, ओनली कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन में क्या करते हैं, ना ही उस तरफ को पढ़ते हैं ना ही इस तरफ को पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आपको कन्फ्यूज होना नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उसी को रिविजन करके जाइए, जितना आपने पढ़ा है उसी को एक बार रिवाइज करके जाइए, उसी के अंदर से आप आंसर्स लिख के आइए, नए आंसर्स के चक्कर में, नए मॉडल पेपर्स के चक्कर में या नए टॉपिक्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िएगा। जितने आप रिवीजन किए हैं उसको ही पढ़ेंगे तो आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको बूस्टिंग एनर्जी मिलेगी, तभी आप एग्जाम अच्छा लिख पाओगे। मैंने भी अपलोड किया है, और जो देते हैं हम गेस देते हैं, कोई भी क्रिएटर ऐसे नहीं जो 100% आपको पेपर दिए, कोई भी नहीं, सिर्फ गेस दे सकते हैं, हाँ इसके अंदर से आ सकते हैं। एक 10 क्वेश्चन दिए तो 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो कंपलसरी आएंगे, वो हमको एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस के द्वारा ही हम अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं कि जो चाहे वो अपलोड कर दिया, आप लोग पढ़ लिए, मेहनत कर लिए, गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, नहीं, गधों की तरह नहीं, स्मार्टली मेहनत करना है। मेहनत तो गधा भी करता है, अब फिर गधे में हमें क्या फर्क हो जाएगा, स्मार्टली मेहनत आपको करना है। स्मार्टली मेहनत करने के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, ज्यादा टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, क्रूशल टाइम 1 day 2 days। आज ये वीडियो देखेंगे उसके बाद कल 2 दिन आपके पास रहेंगे। प्लस पॉइंट ये है आपके पास कि आपके पास सब्जेक्ट कम है, कोई हिंदी में फेल है, कोई उर्दू में फेल है, कोई तेलुगु में फेल है, कोई मैथ साइंस में फेल है, कोई 2 सब्जेक्ट, कोई 3 सब्जेक्ट, कोई 4 सब्जेक्ट, इस तरह, लेकिन हर एक के पास सब्जेक्ट कम है, कोई एक ही सब्जेक्ट में फेल है। तो उम्मीद करना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमने पिछले साल जितना भी पढ़ा है और एक एग्जाम ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो एग्जाम का डर तो हमें ख़त्म हो चुका है, एग्जाम का फोबिया तो बिल्कुल हमें नहीं है, अब हम आसानी से एग्जाम लिख सकते हैं। किस तरह पेपर था रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप दूसरे सेंटर पर जाकर एग्जाम लिखे हैं, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, इन्विजिलेटर कैसे रहेंगे, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को अब पूरी तरह आपको अप्लाई करना है और आपको पास होना ही है, फेल नहीं होना है। एक बात याद रखिए, आपको कंपल्सरी पास होना है, आपको फेल नहीं होना है।
जैसे आप 28 मार्क्स ला लीजिए, ओनली 28 अच्छे लाएंगे तो बेहतर होगा, ओनली 28 मार्क्स लाइए, कोई बात नहीं है, इंटर है, डिग्री है, वहां पर हम हमारा परसेंटेज जीपीए बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो आप पास कीजिए, ये तो आप पार कीजिए, ये पड़ाव को हमको पार करना है। हम नहीं, हमको सिर्फ हम सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि मैं 90 लाऊंगा, 80 लाऊंगा, 70 लाऊंगा, लेकिन आप मेहनत कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सेंटर पर डिपेंड है, सामने वाले के पर डिपेंड है, इन्विजिलेटर पर डिपेंड है, तो इसका कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। आप जब सामने वाले के भरोसे पे आप जाते हैं तो हो सकता है सामने वाला भी आपके भरोसे पे आए, अगर आप पीछे वाले के भरोसे पे जाते हैं तो हो सकता है पीछे वाला भी आपके भरोसे पे आए, फिर दोनों मिलकर क्या करेंगे। तो इसलिए किसी का भरोसा नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखकर एग्जाम को जाना चाहिए। एटलीस्ट 80 मार्क्स के क्वेश्चन में से मैं एटलीस्ट 40 मार्क्स से कंपल्सरी कर सकता हूं, ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपने थोड़ी बहुत मेहनत की होगी। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? आपने रिवीजन अच्छी तरह किया होगा। आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मेरे वीडियोस आपने देखा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे, तब आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं मेरे बात से कुछ कड़वे लगे होंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि आपको थोड़ा मोटिवेट करना मुझको पड़ता है, क्योंकि फेल तो हर स्टूडेंट्स को एक सबक दे जाता है और एक हमको उससे लेसन मिलता है, क्योंकि फेल हर सक्सेसफुल इंसान, एक फेलर इंसान ही कभी ना कभी फेल होता है, लेकिन फेल को हमको उसका बेस बनाकर डिमोटिवेट होना, अफसोस करते हुए बैठना नहीं है, उससे हमको उभर कर निकलना है। फेल हमको एक लेसन दिया है, उस लेसन से हम कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। तो लास्ट मिनट यही स्ट्रेटजी थी, टाइम पे जाइए सेंटर पे, कोशिश कीजिए कि जितने आंसर्स आए पहले वो लिखे, और कोशिश कीजिए कि अच्छी राइटिंग अच्छी लिखे, और कोशिश कीजिए कि पेपर रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, और ये कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट पास हो जाए, नेक्स्ट ईयर तक हमको इंतज़ार ना करना पड़े। तो कोई नए स्टूडेंट्स है इस चैनल को देख रहे होंगे, मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ना भूले, क्योंकि मैं सब्सक्राइब कर लीजिए अभी नहीं बोल रहा हूँ, कि जिसको इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो लोग सब्सक्राइब करके भी क्या करेंगे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है, कुछ इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो कर लीजिए, वरना कोई बात नहीं है। मैं अपने वीडियोस अपलोड करते रहूँगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए, अभी नया बैच भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 8, 9, 10th के लिए, स्मार्ट बैच 1 अगस्त से, उन लोगों पे मेहनत करूँगा। अभी जितना टाइम है आपको, 1 अगस्त मतलब एक 10 5 डेज तो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए दूंगा, मैं अपलोड करूँगा सारे वीडियोस, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश और फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल, मैथमेटिक्स अपलोड करूँगा आपके लिए। पढ़िए, कोशिश कीजिए, और मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उसके अंदर आप चेक कीजिए किस हद तक आप पढ़े हैं, कितने क्वेश्चंस उसके अंदर से आते हैं, या आपने पढ़ रखा है तो ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन, आप आगे बढ़ सकते हैं। बट विच मिस्टेक यू आर डूइंग इन द मंथ ऑफ मे एग्जाम्स, दैट मिस्टेक नॉट रिपीटिंग हियर, जो गलती आप मे में कर चुके हैं वो मिस्टेक यहाँ पर मत दोहराइए, बिकॉज दिस इज द वेरी क्रूशल एग्जाम्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इफ यू आर फेल्ड इन दिस एग्जाम्स, यू कैन वेट अनदर 1 ईयर, अगर आप फेल होते हैं तो 1 साल और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वी होप, हम उम्मीद करते हैं कि वो नौबत हमको नहीं आएगी। कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, 10 घंटे नहीं, 12 घंटे, 14 घंटे हम पढ़ेंगे, लेकिन पास होकर ही हमको आगे बढ़ेंगे, पास होकर ही शांति ले से बैठेंगे, पास होकर ही हम सांस लेंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको ये मोटिवेशन स्पीच, कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि आपको मोटिवेट कर सकूँ। सभी स्टूडेंट्स मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि किस तरह लिखना है, किस तरह नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा यूटिलाइज होगा, इसलिए मैं अपलोड करता हूँ। बस मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, हम दोनों मिलकर इस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स को आगे
पास होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। वेट कीजिए कल के लिए, कल आपको लास्ट मिनट रिवीजन आपको मिलेगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे सारे वीडियोस अपलोड है, लेकिन आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार रिपीट कर दूँ आपके लिए। इतना मैं नहीं कर सकता पाता क्या, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल देना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस मटेरियल का यूटिलाइज करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मेरे एक्सपेक्टेशन, आपके एक्सपेक्टेशन, आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, आपके टीचर्स के एक्सपेक्टेशन, आपके स्कूल के एक्सपेक्टेशन को आप कामयाब करना है, सक्सेसफुल बनाना है तो आप मेहनत कीजिए। टाइम कम है, एक दिन दो दिन रहा है, उस कम टाइम में आप बहुत अच्छी मेहनत कीजिए। पास होना है कंपलसरी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस चैनल पे जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे कमेंट करेंगे कि सर हम पास हो गए, उस दिन मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। चलिए बहुत लंबी